राम राम जी सभी को। और ये है हमारा बेली फैट कम करने का विष्णु पोज आसन। पैर को जितना उसके ऊपर ले आए, धीरे से नीचे रखें, थाइज साइड फैट, कमर का फैट, लटका हुआ पेटू, बढ़ा हुआ पेट इससे कम होता है जी। श्वास खाली करते हुए घुटने को ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। ये आप 20-20 के 35-35 के सेट कई करें तो आपको संपूर्ण लाभ होगा। एक पैर से करके फिर आप करवट चेंज कर लें। करवट चेंज करने के बाद दूसरे पैर से काउंटिंग के साथ और विष्णु पोज आसन पच्चीस पच्चीस के करें ऐसे। फिर श्वास भरते हुए पीछे पैर को ले जाए, श्वास खाली करते हुए पेट पेटू को संगवाते हुए ऊपर की साइड छाती तक लेके आए। और इसी को करोगे तो आप पेट पेटू एकदम ठीक होता हुआ नजर आएगा। और ये जैसे भी संभव हो सके साइकिल चलाने की कोशिश करें, धीरे 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 आराम आराम से पूरे शरीर को मूवमेंट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वापस। अब आगे जी मकर आसन में, और ये गैस के लिए रामबाण आसन है, मोटापे के लिए भी। आगे से कोहनियों का स्टैंड और पीछे से पहले एक एक पैर की एड़ी अपने हिप्स के लगाने की कोशिश। श्वासों के द्वारा श्वास भरते हुए पैर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर। एक एक पैर से हो चुका है जी। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे पूरे जोर के साथ। बहुत अच्छे कर रहे हो बहन। गैस की जिसको भी प्रॉब्लम है ना, उसने ये आसन कर लेना चाहिए। कुछ ऊपर से निकलेगी, कुछ अपान वायु से डकार आएंगी और कुछ अपान वायु से नीचे से सारी गैस पास हो जाएगी और आपका शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा। इसके बाद आ गया हमारा भुजंग आसन। मोटापे का बाप है ये। उभरा हुआ कलेजा, मोटी मोटी भुजाएं, गर्दन के आसपास डबल चिन जमा फैट और हमारी ब्रेस्ट के चारों तरफ फैट पिघलेगा और रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, स्टेमिना बढ़ता है इससे। पीछे से दोनों पैर मिलाकर रखें अपने। कमर दर्द है तो भैया ये आराम आराम से करें और पीछे से पैर भी ना मिलाकर रखें कमर दर्द वाले, इस चीज़ का ध्यान रखें। काउंटिंग के साथ करें, अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब करें, मगर करें ज़रूर। शुरुआत थोड़े से शुरू करें और फिर संख्या बढ़ाते रहें अपनी, और एक दिन देखोगे कितना सुंदर सुडोल शरीर हमारा तैयार हो जाएगा। अभी आप रेस्ट करो, भुजंगासन किया है, फुल रेस्ट करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, अगले आसन की अभी तैयारी नहीं करनी है। अब अगला आसन तैराकी। पीछे से पैर उठाओ, पैरों से आगे की तरफ धक्का लगाओ और आगे से पानी को पीछे फेंको। पेट पेटू को पूरा हिलाओ, पूरा जोर दो पीछे से पैरों को, शाबाश। इसकी ये सावधानियां भी अपने ब्रेस्ट को बचा कर रखें। विश्राम करें, ऐसा ना हो कि आपके ब्रेस्ट पर वजन आए और कोई ना कोई और बीमारी गांठ बन जाए या कुछ नहीं। पेट पेटू पर पीछे से पैर उठा कर, ये देखो जैसे बहन के उठ रहे हैं, और आगे से जैसे तैरते हैं वैसे ही विश्राम करें ज़रूर। बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर को, एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। चलो भैया, अभी ये चुन्नी से शुरू हो गया है। माताएं बहनें जिससे पैर ऐसे उठता नहीं तो चुन्नी का सहारा ज़रूर लें और इसको भी अपनी गिनती में करें। पूरा खींचे ऊपर तक जितना हो सके, भुजाओं का भी साथ के साथ हो जाता है, पूरे पैर का, पूरी बॉडी का हो जाता है। आज
हमारा फ़ोन खड़ा है, खड़े फ़ोन में हम थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो करना नहीं चाहिए, मगर हमने आज कर लिया है, ये गलती कर दी है। और भैया बताना कैसा लगा चुन्नी के साथ एक्सरसाइज? सभी करें, बहन कर सकती हैं, भाई कर सकते हैं। हाँ देखो ये अगर आपकी गर्दन नीचे रह सकती है तो नीचे रहने दे, पैर ऊपर ले आए, मगर बहन की गर्दन कमर नीचे नहीं रहती, वो अपना झूला बना रही है, ये भी बेस्ट है, बहुत अच्छा है।